हाँ दोस्तों, शायद इससे पहले आपने किसी ऐसे खिलाड़ी का T20 डेब्यू सुना हो जिसको खिलाया तो गया लेकिन मौका नहीं मिला सही से खेलने का। फील्डिंग में एक कैच जबरदस्त पकड़ी थी सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन वो उनके लिए काफी नहीं था क्योंकि बल्ले से तो कमाल दिखा ही नहीं पाए। उसके बाद दोस्तों सबसे अजीब घटना तो ये हुई कि उनको अगले मैच में बैठा दिया गया और रोहित शर्मा की वापसी करा दी गई। रोहित शर्मा की वापसी से हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को कम से कम बल्ला पकड़े मैदान पर तो आने दीजिए। अगर वो खराब प्रदर्शन करेंगे तब तो उन्हें बिठाना लाजमी सी बात है, लेकिन सूर्य कुमार यादव अब भी हार मानने को राजी नहीं है क्योंकि आज होना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा T20 का मुकाबला। शाम 7 बजे से आप सभी को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सूर्य कुमार यादव की एक तस्वीर और एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने जो बात लिखी वो सबका दिल जीत रही है क्योंकि दोस्तों उन्होंने साफ लिखा है, Besides gravity, nothing keeps me down। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ग्रेविटी के अलावा मुझे कोई और चीज नीचे नहीं खींच सकती। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ठान कर आए हैं, मन पक्का कर रखा है इस 30 वर्षीय नौजवान खिलाड़ी ने कि अब टीम इंडिया में अपनी जगह बनानी है तो बनानी है, अगर इनको एक भी मौका मिलता है तो। दोस्तों इस बात की कई सारे कॉमेंटेटर, कई सारे एक्सपर्ट्स खिलाड़ी शर्त लगा रहे हैं कि अपने आप में ही काफी अलग रिकॉर्ड दर्ज कर देंगे। दोस्तों अब तक का पहले T20 मुकाबले में खेले गए डेब्यूट के रूप में अजिंक्य रहाणे 61 यानी 61 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद 56 रन निशान किशन ने बनाकर दूसरे नंबर पर जगह बनाई और पहले ही मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को 7वें नंबर पर पोजीशन पर जगह थी और उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला। तो सूर्य कुमार यादव का ये मैसेज साफ है कि ग्रेविटी के अलावा कोई चीज उन्हें नीचे नहीं खींच सकती और फैंस का भी उन्हें फुल सपोर्ट है। उम्मीद करते हैं कि चौथे मुकाबले में हमें सूर्य कुमार यादव बल्ला थामे मैच पर देखने को मिलेंगे, लेकिन बैठाया किसे जाएगा, क्या वो KL राहुल होंगे या कोई और खिलाड़ी होगा, क्योंकि दोस्तों अगर टीम बदलाव कर ही रही है तो सूर्य कुमार यादव को भी 2-3 चांस तो देखे, क्योंकि गौतम गंभीर काफी नाराज हुए थे दोस्तों। उन्होंने साफ कह दिया था कि टीम के साथ छेड़खानी हो रही है T20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले, अगर टीम बदलाव कर रही है तो बदलाव करे, लेकिन सूर्य कुमार यादव को एक के साथ कम से कम 2-3 मौके तो और दीजिए, अगर उस खिलाड़ी ने खेला ही नहीं तो आपने उसको बिठा क्यों दिया। गौतम गंभीर इस बात को लेकर काफी नाराज हुए थे, लेकिन दोस्तों आप सूर्य कुमार यादव को क्या टीम इंडिया में खेलता देखना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैन स्पोर्ट्स।